नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के बारे में। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटवारी के 3835 खाली पदों को भरने की मंजूरी दे दी। जल्द ही सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करते रहें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा था कि हमारी सरकार पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती करेगी। इन रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन पिछली सरकार ने पटवारियों के 2000 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन इनमें से एक भी पद उस समय भर्ती नहीं की गई थी। हमने अब इन 2000 पदों के साथ ही 1835 और पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही राजस्व कार्यों को और अधिक गति मिलेगी। इसके अलावा इस तरह कृषि उपज मंडी समिति में कलर के 801 पदों पर भर्ती होनी है। नए नियमों के अनुसार 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित है। दरअसल राजस्थान में इन सभी पदों पर सरकारी मंजूरी दे दी गई। अब जल्द ही इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया उसके बाद ही शुरू होगी। इस तरह राजस्थान में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की भर्तियां बड़ी संख्या में आने वाली। जो भी छात्र इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करते रहें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।